बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ एहसानपुर में, और आज यहाँ एक और दुख भरी दास्तान मेरी नज़र के सामने आई है। यहाँ एक मेहनत कश है मजदूर शाहनवाज, जो 2-2.5 किलो चावल छोले ये चने चावल चने बना के बाजार में बेचता है और 200-300 कमा कर बच्चों का पेट पालता है। इसके 6 बच्चे हैं, और इसके लिए मसला ये है कि इनके बच्चे जब 5-6 साल के होते हैं तो पुर इसरार बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, और वो टांगों से हाथों से माजूर हो जाते हैं। उनके हाथ पांव और हड्डियां सूख जाती हैं। इसने दर बदर से पैसे इकट्ठे करके सब कुछ अपना बेच के अपने बच्चों पर खर्च कर दिया, मगर कोई इलाज ना हो सका, बीमारी का कोई पता ना चल सका। लाहौर तक इसने बच्चों को लेकर गया, मगर कोई मसला हल ना हो सका। अब ये परेशान कौन हालत में सब कुछ बेच चुका है, परेशान है। आइए इससे इसकी दास्तान सुनते हैं कि क्या मसला है, और ये बीमारी खानदानी है या ऐसे है, या कोई आपके साथ ताउन करता है, या आप अब क्या चाहते हैं। जी शाहनवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बात यह है कि मैं अपने बच्चों का बहुत इलाज कराया और बच्चों का इलाज ना सका। 3 बच्चे जो हैं वो सेहतमंद हैं, वो भी इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। तो खुदा के लिए मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, आर्मी चीफ को, वज़ीरे आला को, वज़ीरे आज़म को, तमाम आला हुकाम को मदद के अपील करता हूँ। खुदा के लिए मेरे इन बच्चों का जहाँ भी इलाज मुमकिन हो इलाज किया जाए और माली मदद भी की जाए ताकि ये बच्चे मौजी मर से बच सकें। अच्छा, जी रह रहे हैं, ये आपका अपना घर है या किसी और का घर? ये मेरे सुसर ने दिया था मुझे कुछ दिन बैठने के लिए सर। मैंने अपना घर वह तो बेच दिया, बच्चों के इलाज पर लगा दिया था। तो आपने बच्चों का कहाँ कहाँ इलाज करवाया? सर मैं बहावलपुर भी गया था, जिला रेमर खान भी गया था, लाहौर में भी गया था सर। तो इलाज ना हो सका, उन्होंने कहा कि ये मर्ज ला इलाज है इसका, इसका कोई इलाज नहीं है। तो इस बीमारी का नाम आपको बताया किसी ने कि कौन सी बीमारी? उन्होंने कहा ये खानदानी बीमारी है, इसलिए इसका इसकी बीमारी का इलाज नहीं है। तो आपके खानदान में ऐसी बीमारी है? नहीं सर, बीमारी नहीं है सर। उन्होंने कहा कि अभी हो चुकी। अच्छा शाहनवाज, आप इतनी मायूसी परेशान कौन हालत में घर में इतने बीमार पड़े हुए हैं, तो गुजर औकात अपना गुजर बसर कैसे करते हैं? बस सर मेहनत कर रहा हूँ, 2-2.5 किलो छोले बेच कर बस गुजारा कर रहा हूँ सर। तो अल्लाह काम को अपील करता हूँ, खुदा के लिए मेरी बस मदद करें, मैं अपने बच्चों का इलाज भी करा सकूँ, बच्चों को पाल भी सकूँ। अच्छा, आपको मुखैर हजरात ने आपको इमदाद की, या मकामी वडेरों ने, नाजिम ने, चेयरमैन ने, या किसी ने आपकी उशर जकात के चेयरमैन ने किसी मदद की? सर आज तक तो कोई नहीं मदद की, कोई भी नहीं आया मदद के लिए। अच्छा, आप इस इन हालत में इन बच्चों को जो आप देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? सर बस एक जिंदा लाश बनकर बैठा हूँ बस सर, आपको क्या बताऊँ। मुझसे बोला भी नहीं जाता सर कि मैं क्या क्या आपको बता सकूँ। मेरे बच्चे मेरे आंखों के सामने जब गिर पड़ते हैं, माजूर हो जाते हैं, बेबस हो जाता हूँ। उससे ना कोई काम होता है, मैं तो आप एक पागल की तरह एक जिंदगी गुजार रहा हूँ परेशान। अच्छा, हमने सुना है आप चावल चने बेचते हैं या खाली चने बेचते हैं, तो आप क्या किसी सवारी पे जाते हैं या पैदल? नहीं सर, पैदल ही जाता हूँ, शहर में जाता हूँ, कभी स्कूल में जाता हूँ, पैदल जाता हूँ। 2-2.5 किलो छोले होते हैं बेचकर शाम को। तो कितने कमा लेते हैं आप? 250-300 तक जली आ जाती है सर। तो अब आप हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत से यही बस मेरी गुजारिश है कि मेरे बच्चों के लिए मदद की जाए, जहाँ इनका इलाज मुमकिन हो इलाज भी हो जाए। बाकी 3 बच्चे जो सेहतमंद है वो भी इस बीमारी का शिकार तो हो चुके हैं, खुदा के लिए बस उन बच्चों का इलाज हो जाए ताकि वो मुसीबत से बच सके। अभी यहाँ मेरे साथ 2 नौजवान सहाफ़ी मौजूद हैं, तो उनसे मैं थोड़ी इस हवाले से बात करूँगा कि इनका कोई पुरसान हाल नहीं तो वो इस हवाले से क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहिए। जी जाम सिदाकत अली साहब, आप यहाँ के नौजवान मकामी सहाफ़ी हैं, तो ये परेशान कौन सूरत हाल आपकी नज़र से गुजरी होगी, तो आप इस हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ देते हैं? सर बस देखा है इसको, ये बहुत ही मेहनत कश बंदा है, 2-2.5 किलो चने बेच के अपना गुजर बसर कर रहा है, और हक़ भी इन लोगों का है कि इन लोगों ने आज तक किसी से डिमांड नहीं की है कि हमें यह चीज़ दी जाए या इतनी माली इमदाद की जाए।
इंसानियत तो वैसे मर चुकी है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि जितने भी यहाँ पे सियासी लीडर हैं, आला हुकाम हैं, मेरी उनसे यही पर्सनली रिक्वेस्ट है कि खुदा रहा इसकी मदद करें। ये बहुत ही परेशान है, इसके बच्चे इसकी आंखों के सामने जो है मुझी मर्ज़ का शिकार हो रहे हैं। तो पर्सनली मेरी यही रिक्वेस्ट है आला हुकाम से, यहाँ के जो वडेरे हैं, जिम्मेदार हैं, सियासी रहनुमाओं से, कि खुदा रहा इसकी मदद करें ताकि ये मायूसी से बच सके और अपने बच्चों का जो वहाँ तक इसका इलाज मुमकिन है इलाज कराए। जी सर, मेरा तो जी अला नवाज खान साहब, आप यहाँ के नौजवान मकामी सहाफ़ी हैं, आप यहाँ के वडेरों और मुखय्यर हजरात जो इधर तवज्जो नहीं दे रहे उनकी बेहिसी पे आप क्या कहेंगे? बस शर्म आ रही है, बस उनका नाम लेके भी हम ये अपील करते हैं कि इनकी माली इमदाद की जाए, इनको घर बना के दिया जाए, ये ससुर के घर में रह रहा है। अच्छा खान साहब, ये देखें, हमने सुना है यहाँ के वडेरे सियासी जलसों पर लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, अपने रकबे तक जलसे के लिए बेच देते हैं, और उनके नाक के नीचे ऐसा मसला हुआ पड़ा है तो वो इस हवाले से कुछ नहीं करते, आप उनको एज ए सहाफ़ी कुछ पैगाम देंगे? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि इस गरीब की इमदाद की जाए, इसको घर, इसका घर बना के दिया जाए और इनके बच्चों का इलाज कराया जाए। रिवर्स, आज की ये कहानी आपने सुनी, ये ज़िला रहीम यार खान का इंतहाई पसमानदा तरीन इलाका है एहसानपुर, और यहाँ पर इतनी पुरसरार बीमारी में मुबतला एक गरीब ख़ानदान, मगर उनका कोई पुरसान हाल नहीं। मैं अपनी स्क्रीन पे इस मज़दूर का नंबर दूंगा, अगर कोई उनकी इमदाद करना चाहेगा तो उनसे रब्ता कर लेगा। मेहरबानी, शुक्रिया।